अञ्जन शलाकया चक्षोरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्कुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभायनसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृन्दाय तुलसीतर्कै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रजदेवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राम। जोर से बोलो बोल हरे कृष्ण सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद प्रतिमा उधर से देखो सही आदमी नित्यलीला प्रविष्णम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य श्री श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद भद्म नित्यलीला प्रविष्णम विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिताई भाई बहन सभी को मैं यथाविधि प्रणाम करता हूँ। बोल हरे कृष्ण। देखो हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं श्री जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा दर्शन करने का उपलक्ष्य में हम सबके सब आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। यदि जो धाम है बताओ तो जहाँ पर आए हैं इस जगह का नाम क्या है? बताओ जगह का नाम क्या है? अरे बोलो कहाँ पर आए हो? जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी है इसलिए जगन्नाथपुरी को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। इसका नाम पुरी, पुरी मतलब जो पुरी खाते हो कहते नहीं, पुरी मतलब होता है पूर, पूर मतलब होता है घर व मकान पैलेस राजमहल। इसलिए पुरी मतलब जगन्नाथपुरी मतलब श्री जगन्नाथ देव जहाँ पर अवस्थित करते हैं। इसलिए बताया सात पुरी है। आप लोग तो एक पुरी खाते हो लेकिन हमारे शास्त्र में सात पुरी का नाम आया है। बोले कौन कौन पुरी? बोले अयोध्यापुरी है, मथुरापुरी, काशीपुरी, मायापुरी है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांचीपुरी अवंतियापुरी द्वारकापुरी है, सात पुरी का नाम आता है शास्त्र में। पुरी मतलब होता है जहाँ पर भगवान का नित्य निवास है। इसलिए इस स्थान का नाम क्या है? जगन्नाथपुरी। मतलब जहाँ पर श्री जगन्नाथ जी
नित्य निवास करते हैं, जहाँ पर नित्य भोजन करते हैं। इसलिए शंकर जी पार्वती को ये बात कहते हैं। पद्म पुराण में, स्कंध पुराण में, अलग अलग पुराण में सब कथा आती है। शंकर जी कहते हैं, पार्वती ये जगन्नाथपुरी में मैं नित्य निवास करता हूँ। अगर ये जगन्नाथपुरी में वैसे केवल घूमते रहे तो क्या, तो उसको परिक्रमा करने का फल मिलता है। अगर कोई यहाँ पर आकर के केवल सोते रहे और कुछ नहीं करे, केवल यहाँ सोते रहे और कुछ नहीं करे, बल्कि उसको समाधि की फल प्राप्ति होती है। यहाँ पर कुछ भी बात करे, ये भगवान की स्तुति हो जाती है। हाँ? अगर यहाँ पर इधर उधर केवल घूमते रहे, पर समझे भगवान धाम की ये परिक्रमा हो जाती है। यहाँ पर शंकर जी कहते, पार्वती यहाँ पर और भी एक विशेष गुण है। अगर यहाँ पर कोई मछली भी खाए ना, उसको हविषार्थ का फल मिलता है। मतलब ये धाम की इतने प्रभाव है, इतने ये धाम के प्रभाव है। कहते श्री, आप लोग भुवनेश्वर नाम सुने होंगे, 7 किलोमीटर दूर यहाँ से। शंकर जी कहते, पार्वती जब कोई व्यक्ति भुवनेश्वर से केवल एक कदम आगे बढ़ाए, केवल एक कदम आगे बढ़ाने पर उसको 100 अश्वमेध का यज्ञ, जब एक कदम वो आगे बढ़ता है 100 अश्वमेध का यज्ञ फल प्राप्त होता है। और 100 अश्वमेध कोई यज्ञ करे, बताओ तो उसका क्या फल है? बताओ, 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा तो उसका क्या फल है? इंद्र, इंद्र का पद को वो प्राप्त करता है, अगर कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करे। लेकिन श्री जगन्नाथपुरी से भुवनेश्वर से केवल एक स्टेप जब आगे बढ़ाता है, 100 अश्वमेध का यज्ञ फल प्राप्त होता है। स्वर्ग से जितने लोग हैं देवता, जब जगन्नाथपुरी में जो निवास करते हैं, जब स्वर्ग से कोई व्यक्ति दर्शन करता है ना, उनको ये 2 हाथ पाल नहीं दिखते हैं, उनको लगता है सबके सब 4 हाथ हैं। ये सबके सब 4 हाथ, ये सबके सब भगवान के दिव्य धाम में निवास करते हैं, ये सबके सब भगवान के भक्त हैं। कभी यहाँ पर से गर्धा मतलब गधा, वो गधे पशु पक्षी, जब इनको भी वो ऊपर से दर्शन करते हैं, उनको ये लगता है ये सब के सब भगवान के परम भक्त हैं। उनको 2 हाथ वाले कोई नहीं दिखते हैं, 4 हाथ दिखते हैं, लगता है ये साक्षात भगवत धाम के ये परिकर हैं सब के सब हैं। इसलिए ये धाम की इतने महिमा, इसलिए ये जगन्नाथपुरी का अलग अलग नाम है। इसका एक नाम है संख क्षेत्र। बोले संख क्षेत्र क्यों? जैसे शंख का आकृति है ना, ये जगन्नाथपुरी का जो आकृति है वो शंख जैसे। आप देखना आरती के बाद में शंख बजाते हैं ना, शंख क्यों बजाते हैं? शंख क्या है? बोले जय ध्वनि, जय घोष है, हैं ये मंगल ध्वनि है। जैसे बंगाल में उल्लू ध्वनि दी, बांग्ला तो उल्लू ध्वनि दे ना, अपनारा उड़ीसा देश उल्लू ध्वनि दिए, एक दिए दिखा तो किरण दे। অমিতাভ বচ্চন, ঐশ্বর্য রায়, শাহরুখ খান আর সালমান খান, এদের সিনেমা দেখে দেখে সব হিন্দি শিখে গেছে, তাই না? সব হিন্দি শিখে গেছে টিভি দেখে দেখে। এইখানে এইখানে কি বলা হয়, এটা হলো শঙ্খ ক্ষেত্র। হ্যাঁ, শঙ্খ হলো, শঙ্খ যে হে ও মঙ্গলবাচী, মঙ্গল চিহ্ন। এসলে জগন্নাথপুরী কাজ আকৃতি হো শঙ্খ জৈসে, এসলে শঙ্খ ক্ষেত্র কে। ইসা এক নাম হে নীলাচল। নীলাচল নাম কেউ পড়া? নীলা মতলব হতা হ্যাঁ নীল, আচল মতলব হতা হ্যাঁ পর্বত।
अक्षर मतलब होता है पर्वत है। कदी जो जगन्नाथ पुरी कदे नीलाचल क्षेत्र है, कदे नील रूपी अचल पर्वत ऊपर में ये विद्यमान। आप जगन्नाथ मंदिर को अंदर में कौन कौन गए? बंगाली भाई रा कथा बोलबे ना, इतने बंगाली आछे कि फिर बुझा जाबे कथा बोलसे कथा बोलबे ना के। इसलिए आप जगन्नाथ मंदिर को अंदर में कौन कौन गए? जगन्नाथ मंदिर भीतर कारा कारा किए छे हाथ उठा। कौन कौन जगन्नाथ मंदिर अंदर में नहीं गए? कोई हाथ नहीं उठा रहे, सब गए ना। इसलिए जगन्नाथ पुरी मंदिर जगन अंदर में जाओगे ना, वहां पर एक अक्षय वट देखो, वहां पर एक पटवृक्ष देखोगे हैं। कभी ये विश्व ब्रह्मांड प्रलय हो जाने पर भी ये जगन्नाथ पुरी कुछ नहीं बोलता, वो अक्षय वट डूबा नहीं रहता है। इसलिए मार्कंडेय ने जब भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु आपका हम प्रलय दर्शन करना चाहते हैं, भगवान मार्कंडेय को प्रलय दर्शन कराया। देखा चारी तरफ में जलमग्न, चारी तरफ में पानी पानी, लेकिन उन्होंने बहते बहते जब श्री पुरी में आए, देखा जगन्नाथ मंदिर को अंदर में, वो बट्ट वृक्ष को ऊपर में, एक बट्ट पत्ते को ऊपर में भगवान श्री बाल गोपाल उसको ऊपर में शयन कर रहे और अपना अंगूठा को चूस रहे थे। देखा सारा दुनिया प्रलय हो गया, लेकिन श्री जगन्नाथ पूरी प्रलय नहीं, तब भी वो वृक्ष डूबा नहीं था है, वो भी डूबा नहीं हुआ है। इसलिए उसी बट्ट वृक्ष के ऊपर में कहते श्री काग भूषु ने बैठ करके भगवान की कथा सुनाई। इसलिए श्री तुलसीदास जी कहते हैं, बले काया ओ गरुड़ जहाँ बस ए भूसुंडा, गाया ओ गरुड़ जहाँ बस ए भूसुंडा, रामचरितादि भागवतिया कांडा, गाया ओ गरुड़ जहाँ बस ए भूसुंडा। ये काक भूसुंडी जब इनकी मन में इच्छा होता है हम थोड़ा प्रभु की कथा सुनना चाहते हैं, वो काक भूसुंडी वैकुंठ छोड़ करके श्री जगन्नाथ पुरी में आते हैं। श्री काक भूसुंडी जगन्नाथ पुरी मंदिर में बैठ करके जब कथा सुनाते हैं, शंकर ब्रह्मा जी देवता लोग भी वहीं पर बैठ करके कथा को सुनाते हैं। इसलिए इसका एक नाम है नीलाचल क्षेत्र है, और इसका और क्या नाम है? इसका नाम श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र। क्या नाम है? पुरुषोत्तम क्षेत्र। बोले पुरुषोत्तम क्षेत्र क्यों नाम पड़ा? बोले पुरुष में जो उत्तम उत्तम श्लोक लीलया, हाँ पुरुष में जो उत्तम है, हाँ इसका नाम पुरुषोत्तम। बोले पुरुष में जो सर्वश्रेष्ठ है, कौन है पुरुष में सर्वश्रेष्ठ? भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रहम अनादि रादि गोविंद सर्व कारण कारणम। कौन है? बल भगवान श्री कृष्ण चंद्र, वही कृष्ण ही ये श्री जगन्नाथ है। इसलिए पुरुष में जो उत्तम है, इसलिए जिसको भागवत में बताया इतने चांस कला पुंस कृष्णस्तु, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो स्वयं भगवान कौन है? ये कृष्ण है, सब के अवतार है। इसलिए जो सब कारण का कारण, इसलिए ये जैसे श्री जगन्नाथ जी कौन है? कोई कृष्ण ही जगन्नाथ हुए हैं, हैं? इसलिए ये धाम का नाम भी पुरुषोत्तम क्षेत्र। इसलिए पुरुषोत्तम महीना इसी साल आई थी ना, 3 साल के बाद में एक बार ये पुरुषोत्तम महीना आती है, और जगन्नाथ जी का नाम पुरुषोत्तम है। इसलिए बहुत सारे लोग गुरुदेव रहते समय भी यहाँ पर आया करते थे पुरुषोत्तम महीना में, और यहाँ पर कभी 10 दिन 15 दिन रह करके पुरुषोत्तम की कथा सुनाया करते थे, भगवान कृष्ण की गुरुदेव कथा सुनाया करते थे। इसलिए इसका नाम क्या है? श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र। कितना नाम हो गया? सब गिर रहे कि नहीं बताओ? तो कौन कौन गिर रहा है? कितना नाम हुआ? बोलो कितना नाम हुआ?
बोलो देखो एक मैया बैठ देखे नोट कर रही है, देखो ये एक मैया बैठ देखे नोट कर रही है, ये बड़ी बुद्धिमान ब्राह्मण घर की माता थी, सब क्वेश्चन का आंसर देती है, बड़ो तो सारी बड़ो तो है ना सबसे बड़े हैं, इसलिए इसका बहुत सारे नाम है। और इसका और क्या नाम एक है, बोले श्री क्षेत्र। श्री क्षेत्र मतलब, श्री मतलब साधारण भाव से श्री मतलब होता है लक्ष्मी, श्री मतलब लक्ष्मी, क्या तो मूल लक्ष्मी को अपना जा से आज भी टाइम आ से अपना दे ओ प्रसाद प्रसाद सब दिए से ठीक है भालो कर जा ठीक है भालो ठीक है। इसलिए इसका नाम श्री क्षेत्र, क्या तो श्री मतलब होता है लक्ष्मी, बोले मूल लक्ष्मी कौन है, मूल लक्ष्मी कौन है, श्री राधा रानी। इसलिए गोपी गीत का जो पहला श्लोक गोपियां कहती हैं, क्या कहती हैं, बोले जयती ते भिका जन्मना राजा प्रयासरे बिरा शाश्वत त्रि जयति ते भिका गा रही है, बोले हे श्याम सुंदर जब से तुमने ये ब्रज में जन्म हुआ ना तब से ये ब्रज का तो जय जयकार हो रहा, सारा ब्रज में जय जयकार हो रही है, सारा दुनिया तुम्हारी बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जोर जयकार दो, लगता है आज व्रत रखे होना क्या नहीं है ना, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, अभी लग रहा है कथा होना, बोले श्री जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय, प्रदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की जय, अभी लग रहा है कथा बोल। इसलिए ये गोपियां राधा रानी कहती है, गोपियां कहती हैं हे श्याम सुंदर जब से तुमने ये ब्रज में जन्म लिया है, लेकिन ब्रज का तो जय जयकार हो रहा है, लेकिन तब से ब्रज क्या हो गया, बोले श्रयत इंदिरा, इंदिरा मतलब लक्ष्मी, बोले मूल लक्ष्मी कौन है, श्री राधा रानी, मतलब जब से तुमने ये ब्रज में आए हो तब से ब्रज में राधा रानी की ये क्रीड़ा भूमि बन गया है, क्रीड़ा भूमि बन गया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं इस स्थान का नाम श्री क्षेत्र, श्री क्षेत्र। आज मन लगा करके सुना, मैं कल सबको पूछूंगा कौन क्या क्या सुना, भालोगी मानती है सुना, काल के सभा की जिज्ञासा कर वो, आज यदि केव ना बोलते बारे ना काम कर तारे कर दो से ऐसे भाल कर मान दे सुनो, कल के सभा की जिज्ञासा करो, कल मैं सबको पूछूंगा, मैं देखूंगा कौन कौन बोल पाते हैं, ये पुरी का कितना नाम है और क्यों ये पुरी का इतना नाम पड़ा, ठीक है कल सबको मैं पूछूंगा, काली मु समझ तुम पचारी ये कौन सुनी लो, ये पुरी रे इतने नाम काहे की यार इतने नाम है, ठीक है जी मन देख सब सुना तू, तेनो ये स्थान स्थान का नाम क्या, बोले श्री क्षेत्र, श्री मतलब श्री राधा रानी, क्षेत्र मतलब जो राधा रानी की ही स्थान है, ये जगन्नाथपुरी नहीं कहते राधा जी की प्रेम के द्वारा संपूर्ण प्लावित, संपूर्ण जो डूबा हुआ स्थान श्री ये जगन्नाथपुरी है, इसलिए इसका नाम श्री क्षेत्र कहते हैं। इसलिए इसका तो महिमा पहले था ही, इसका महिमा तो पहले था ही है, लेकिन जब से श्री चैतन्य महाप्रभु आए तब से पुरी की महिमा और बढ़ी,
और पूरी का महिमा बढ़ेगी है। बोले चैतन्य महाप्रभु कहते जो इच्छा को वो गोलोक वृंदावन में भी जो इच्छा पूरी नहीं कर पाए है वो कौन सा इच्छा, कृष्ण की जब उस लीला समाप्त हो गया, कृष्ण जब गोलोक वृंदावन चले गए, एक दिन कृष्ण निकुंज भवन में बैठ करके सोच रहे हैं। बोले सब चीज को मैंने तो अनुभूत किया, सब इच्छा की मैंने पूरी की, लेकिन एक चीज है ना मेरे दिमाग से ऊपर एक चीज चला गया जो एक चीज में समझ नहीं पाया। बोले वो चीज क्या है, बोले राधा जी की क्या प्रेम की महिमा, राधा जी की प्रेम की महिमा क्या है, राधा जी की शरीर में जो दिव्य उन्माद, राधा जी के शरीर में जो प्रेम प्रकट होता है मेरे शरीर में वो प्रेम प्रकट नहीं होता, और मैं कितने सुंदर हूँ जिसको राधा रानी मेरे रूप को देख करके हैं, मेरे रूप को देख करके हैं अद्भुत रूप में प्रेम का आस्वादन करता है, मैं इतने सुंदर हूँ, मैं कितने सुंदर हूँ मेरे को पता नहीं। अब राधा रानी को मेरे रूप मेरे प्रेम का आस्वादन करते हुए क्या आनंद मिलता है, कभी ये चीज तो मैं समझ नहीं पाया। जब तक से राधा जी के भाव अंग कांति को लेकर के नहीं जाऊं तब तक ये चीज को मैं समझ नहीं पाऊंगा। इसलिए कृष्ण कलयुग में राधा जी के भाव और उनकी अंग कांति लेकर के महाप्रभु कलयुग में आए। कहते इच्छा कहाँ पर पूरी किया बताओ, महाप्रभु कहाँ पर ये इच्छा पूरी किया, जो इच्छा वो गोलोक वृंदावन में भी पूरी नहीं कर पाए, कहाँ पर उन्होंने इच्छा को पूरी की, श्री जगन्नाथपुरी में, कहाँ पर इच्छा पूरी की, जगन्नाथपुरी में। इसलिए उन्होंने जब ये इच्छा को पूरी की, पूरी का तो महिमा था ही, लेकिन जब महाप्रभु आए ना इसकी महिमा और बढ़ गई है। इसलिए कहते हैं जब किसी स्थान की हम महिमा को समझने जाएंगे कहते तीन चीज को द्वारा उसका महत्व को समझनी चाहिए, कितना चीज को द्वारा, तीन वस्तु को द्वारा हमें विचार करनी चाहिए वो स्थान की इतने महिमा क्यों, किसलिए ये जगन्नाथपुरी की इतने महिमा, ठीक है। पहला जो वस्तु है स्थान, पहला वस्तु स्थान, इसलिए स्थान का नाम किया श्री क्षेत्र है, मतलब श्री राधा जी की स्थान, जैसे श्री वृंदावन है ना, वृंदावन नाम क्यों वृंदावन है बताओ, वृंदावन का नाम वृंदावन क्यों है, कौन बोलेगा हाथ उठा, मतलब कौन बोलेगा कि वृंदावन का नाम वृंदावन क्यों पड़ा है। देखो देखो ये बड़ौत के दो माता जी हाथ उठा रहे, मतलब बड़ौत वाला जीत गए हैं, देखो आंसर तो बताओ किस लिए, देखो ये माता जी आंसर देने के लिए पहले खड़ी रहती है, बताओ तुलसी का बने, और क्यों वृंदावन नाम पड़ा, एक और कोई बता सकते हैं वृंदावन का नाम, वृंदावन नाम क्यों पड़ा है, वृंदा मतलब बोलो किसको बता, तुम तो बड़ा पढ़ते आगे क्या कुछ याद नहीं रखती है सबके साथ, वृंदावन उसका नाम वृंदावन क्यों पड़ा, माता जी ने एक अर्थ बता दिया और कोई एक अर्थ बताओ, बोलो वृंदावन का नाम वृंदावन क्यों, बोलो सफेद, इसलिए कहते वृंदा एक है तुलसी, वन मतलब जहाँ तुलसी का वन है, कहते जो मूल जो वृंदा है वो श्री राधा रानी, राधा जी का नाम भी एक वृंदा है, और वन मतलब जो वृंदावन किसका वन है, श्री राधा वन, राधा वन वृंदावन, इसलिए वृंदावन में जाओ ना इसलिए कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जोर बोलो और जोर से, इसलिए वृंदावन में जाओ तो सबके सब श्री, क्योंकि वो जो बन है वो राधा रानी की बन, और वृंदावन मतलब बन मतलब वो वृंदावन नहीं, कहती राधा जी ने कृष्ण सेवा के लिए उन्होंने अपना हृदय को उन्होंने वृंदावन के रूप दिया है, ये वृंदावन क्या है, ये राधा रानी की हृदय है। इसलिए श्री महाप्रभु कहते हैं आने हृदय मन मोर मन वृंदावन, इसलिए राधा रानी भी कहती है दूसरा का हृदय तो मन है, मन में जो गंदगी चीज रहती है
लेकिन मेरी मन क्या है, कहते मेरी मन मन नहीं, मेरा मन तसरी वृंदावन है, जहाँ पर कृष्ण की लीला स्थली। ये एक अर्थ हो गया, कितना अर्थ हो गया, तीन अर्थ हो गया। बोले वृंदावन वृंद मतलब भक्त वृंद, अब न मतलब अगर कोई वृंदावन में भक्ति करने के लिए आते हैं, राधा रानी और वृंदावन धाम सबको अपना चरण में आश्रय देती है, अब सबको भक्ति करने की उनको आश्रय देती, रक्षा करती है। जो वृंदावन में संत भक्ति करने के लिए आते हैं उनको चरण में कौन स्थान देती है, से वृंदावन धाम पर राधा रानी, मतलब भक्तों को हर समय जो रक्षा करती है, ये श्री वृंदावन है। इसलिए श्री जगन्नाथपुरी भी समझो ये अभिन्न वृंदावन है, क्योंकि जहाँ पर श्री राधा रानी का क्षेत्र, जैसे वृंदावन में जाओ है, वृंदावन में कौन कौन वृंदावन गए हो, हाथ उठाओ, कौन कौन गए, सब चुपचाप बैठे, कौन कौन गए वृंदावन में हाथ उठाओ, अरे कोई हाथ नहीं उठा, कोई वृंदावन गए नहीं, देख कोई तो नीचे कर रहे हैं, कोई ऊपर कर रहे हैं, ठीक से ऊपर उठाओ ना। इसलिए वृंदावन में है, इसलिए कैसी वृंदावन जो धाम है, जो वृंदावन में गए देखना, वहां पर गोविंद है, गोपीनाथ है, राधा दामोदर, राधा रमन, राधा श्याम सुंदर, राधा गोपालानंद, राधा है गोपीनाथ, वहां पर सारे ठाकुर है। आप भी इस जगन्नाथपुरी में भी सारे ठाकुर, सारे ठाकुर है, देखे हो गोपीनाथ गए थे ना, तोटा गोपीनाथ में, वहां पर गोपीनाथ है, उसको अभिन्न बंसीवट मानी जाती है, अभिन्न बंसीवट उसको मानी जाती है। अलारनाथ गए थे, कौन कौन अलारनाथ मेरे साथ में गए थे, आगरा कौन कौन अलारनाथ गए थे, वहां पर देखे है ना, राधा कुंड है वहां पर। और प्रभुपाद ने बताया अलारनाथ कौन है, तो ये बैठा, वो क्या है बैठा, बैठा कहाँ पर, जहाँ पर कृष्ण जब बासंती रास श्री गिरिराज गोवर्धन में बासंती रास रचाए, कृष्ण राधा रानी गोपियों को छकाने के लिए जब उन्होंने रास को परित्याग दिए हैं, इतने में कृष्ण चतुर्भुज रूप धारण करके बैठी गए, जब गोपियां ढूंढते ढूंढते आए और चतुर्भुज नारायण को देखा, लेकिन नारायण को देख करके भी उनको उनके प्रति आसक्ति नहीं हुए, उन्होंने पूछे हमारे श्याम सुंदर को देखे हो, हमारे काले कनुआ को देखे हो हैं, हमारे काले कनुआ कृष्ण को देखे हो, लेकिन वो तो नारायण और चुपचाप बैठे। लेकिन जब श्री राधा रानी वहां पर आई ना, राधा रानी की शरीर की सुगंध को पा करके, इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं बंसी करान निपतित स्खलितम शिखंडम भ्रष्ट सब पीत वसनम ब्रजराज सुनु। केवल राधा रानी की अंग का सुगंध थी और राधा रानी आ रही है, इसलिए राधा जी का एक नाम है गंध उन्मादिनी, मतलब राधा रानी के शरीर से इतने सुंदर सुगंध निकलती है, इतने सुंदर सुगंध निकलती है। इसलिए जो स्त्री जाती है ना, चार तरह का है, कितने तरह का, चार तरह का, एक है गजनी, एक है हस्तिनी, एक है एक है कमलिनी है पद्मिनी, ऐसे करके चार तरह का स्त्री का बताए है। कहते राधा रानी क्या है, गज गमनी, हाथी कैसे चलते देखते हो, ऐसे राधा रानी जब चलती ना हाथी की चाल जैसे, और राधा रानी पद्मिनी, पद्मिनी मतलब जिनकी शरीर से कमल फूल का खुशबू निकलती, और हमारे शरीर से अगर पसीना निकलना पास में भी खड़े नहीं हो भाई, इतने बदबू निकलता है हमारे शरीर में। लेकिन जब राधा रानी के शरीर से, कहते राधा रानी के शरीर से कमल फूल की खुशबू राधा जी के शरीर से निकलती है, इसलिए जब श्री राधा रानी आई और उनकी शरीर को खुशबू जब कृष्ण की नासिका विवर में गए, और जब राधा रानी एक बार उन्होंने तेज चितवन से जब उन्होंने श्री श्याम सुंदर को देखे ना, बस कृष्ण का मयूर मुकुट गिर जाता है उनके हाथ से, बंसुरी उनके हाथ से बंसुरी गिर जाती है, और कभी कभी कृष्ण भी
बेहोश होकर गिर जाते हैं। इसलिए उस स्थान में बैठा मतलब राधा रानी हैं आते ही कृष्ण का जो दो हाथ था वो अंदर में बैठा मतलब होता है प्रवेश कर गया, प्रवेश कर गया। इसलिए उस स्थान को अभी तक बैठा संति रास स्थल बताया जाता है। इसलिए प्रभुपाद ने वहां पर गौड़ीय मठ को प्रभुपाद ने गौड़ीय मठ वहां पर स्थापन किया। आप लोग ने जहां पर हरिदास ठाकुर ने भजन किया, हाँ सिद्ध बकुल, कौन कौन सिद्ध बकुल गए, हाथ उठा कौन कौन सिद्ध बकुल गए, सिद्ध बकुल नहीं गए, सब भूल गए सर, कौन कौन गए सिद्ध बकुल, हाँ कहते जो सिद्ध बकुल को बताया ये कौन सा स्थान है, बोले बरसाना। ये कौन है, ये बरसाना। बोले क्यों, बोले बरसाना गए हो ना, बरसाना क्या है, ये ब्रह्मा जल पर्वत है, ये ब्रह्मा स्वयं ये पर्वत को धारण रूप धारण किया ब्रह्मा जी। इसलिए हरिदास ठाकुर कौन है, कौन कौन मिलकर के हरिदास ठाकुर रूप में आए बताओ, कौन कौन मिलकर के हरिदास ठाकुर हुए बोलो, कौन कौन मिलकर के हुए, प्रहलाद और ब्रह्मा, यदि ये दोनों मिलकर के कौन हुए, श्री हरिदास ठाकुर। प्रसिद्ध जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की। इसलिए यदि ये ब्रह्मा जी हैं और प्रहलाद दोनों मिलकर के श्री हरिदास ठाकुर हुए। इसलिए हरिदास ठाकुर कहाँ बैठ कर भजन करते थे, बोलो कहाँ पर बैठ कर भजन करते थे, बोलो कोई कुछ बोलते नहीं, सब चुप बैठे, कहाँ बैठ कर भजन करते थे, सिद्ध बकुल में, सिद्ध बकुल में वहीं पर बैठ करके भजन करते थे। इसलिए उसको माना गया अभिन्न वो बरसाना धाम श्री हैं। और इसलिए कहते यहाँ पर जैसे हम लोग उस दिन हमारे गुरु जी की मठ में गए थे ना हमारे साथ में, इसलिए वो रास्ता में वहाँ पर राधा गिरधारी है, राधा श्याम सुंदर, राधा मदन मोहन, कृष्ण बलराम देखे कि नहीं उस दिन, और वो रास्ता की कोने में मदन मोहन है, उसी रास्ता में कोने में श्री मदन मोहन है। जैसे वृंदावन में गोपिंद गोपीनाथ मदन मोहन राधा श्याम सुंदर है, तभी श्री जगन्नाथपुरी में भी ये सारे ठाकुर, श्री जगन्नाथपुरी में भी श्री सारे ठाकुर विद्यमान है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने जो 18 साल 26 साल तक तो गृहस्थ लीला की और 26 साल के बाद में महाप्रभु संन्यास ग्रहण किया और 6 साल तक महाप्रभु सारे तीर्थ में, महाप्रभु सारे तीर्थ में गए और वहाँ पर भ्रमण किया और उन्होंने 18 साल तक केवल उन्होंने गंभीरा में 18 साल तक केवल उन्होंने गंभीरा में बैठ करके वहीं पर उन्होंने राधा जी की भाव में विभावित तो होकर के वहीं पर उन्होंने जीवन को बिताए हैं। इसलिए बोले से ये स्थान है, स्थान में स्थान का नाम क्या, श्री क्षेत्र मतलब श्री राधा जी की ये स्थान स्थान। बोले काल महाप्रभु ने कौन सा समय में यहाँ पर रहे, बोले कलियुग में, कौन सा युग में, कलियुग। और ये जो कलियुग है साधारण कलियुग नहीं, ये कलियुग को क्या कहते हैं, कलियुग का नाम क्या बोलो, कौन सा, हाँ देखो ये बड़ोदरा से बहुत अच्छे सारे प्रश्न का उत्तर देते हैं, बहुत बढ़िया। इसलिए ये कलियुग साधारण कलियुग नहीं, कली ये कौन सा कलियुग है, धन्य कलियुग। इसलिए श्री कौन बोलते हैं कीर्तन गाने वाले कौन है, अरे कीर्तन किसने लिखा है, भक्तिमान ठाकुर का, कौन किसने लिखा, के जावी के जावी रे भाई बाबा सिंधु पाई तोरा, के जावी के जावी रे
देखिए राम जी भी आए, कृष्ण भी आए। जब राम जी आए तब जाके दंडकारण्य में जो ऋषि थे वो लोग जाके राम जी से प्रार्थना किया कि हमको पत्नी रूप में आप शिकार की। लेकिन राम जी ने बोला भाई ये नहीं हो सकता, इस युग में ये नहीं हो सकता, आप लोग दापर युग में आएंगे तब आपको स्वीकार किया जाएगा। फिर कृष्ण आए दापर युग में, फिर उन लोगों को गोपी रूप में स्वीकार किया जो बहुत सालों से तपस्या कर रहे हैं, उनको कृष्ण ने गोपी रूप में स्वीकार किया। फिर जब महाप्रभु आए, महाप्रभु ने ये तो ऐसे ही दे दिया, बोला गया भवो विरिंचिर वांछित प्रेम जगते फैलिलो ढाली कांगले पाइया खाइलो नाचिया बजैया कुमत। तो साधारण व्यक्तियों को भवो विरिंचि मतलब शिव और ब्रह्मा का जो वांछित प्रेम है उसको महाप्रभु ने ऐसे ही दिया। फिर हमारे गुरुवर्ग आए, गुरुवर्ग ऐसे आए कि मतलब बोलने का जरूरत नहीं, वो सबके घर में जाने लगे। जब प्रभुपाद आए, क्या विशेषता है कि प्रभुपाद सबके घर में जाने लगे, और सिर्फ वो नहीं, प्रभुपाद ने अपना एक इतने बड़ा ग्रुप बनाया कि वो सबके घर में जाने लगे। आप इस बार आओगे आपको हरी कथा बोला जाएगा, कीर्तन भजन में शामिल किया जाएगा, नेक्स्ट टाइम आओगे आपको हरिनाम दिया जाएगा, इसके बाद आप आओगे दीक्षा दिया जाएगा, आपके जगह जगह पे जाके हमारे गुरुवर्ग भागवत करेंगे, हमारे प्रभु ब्रह्मचारी लोग जाके प्रचार करेंगे। तो देखो ये कैसे उल्टा प्रक्रिया है। हम जब जाके रामचंद्र से मांग रहे थे कि इतने साल जो है हम गोपाल मंत्र कर रहे हैं, आप हमें एक्सेप्ट कर लो, वहाँ पे रामचंद्र बोल रहे हैं नहीं अगला युग में आओ। और यहाँ पे क्या है, जो कुछ करना नहीं चाहता है, जिसको भक्ति के बारे में कुछ पता नहीं, हमारे गुरुवर्ग जो महाप्रभु के धारा में आए वो जाके उसके घर में जबरदस्ती, वो हरिनाम करना नहीं चाहता है, वो मांस मछली छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन उनको बार बार बोल बोल के डरा के समझा के वेद से शास्त्र से जहाँ पे सारे उदाहरण देके उनके पीछे पड़ जाते हमारे गुरुवर्ग। तो ऐसे दयालु वैष्णव आपको कहाँ मिलेगा, सिर्फ ये धन्य कलियुग में मिलेगा, इसीलिए ये कलियुग धन्य। मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, पंचा कल गुरु उत्तम प्रभु जी इधर आ जा, उत्तम महाराज, अरे रोसी कर हरिनाम कर बुली बुली प्रभु जी ने बताए ये जो कलयुग है, ध्यान देकर सुनो, अगली बार जैसे भूल नहीं होनी चाहिए। माधव प्रभु ने तो क्या तुमने सुना, इसको धन्य कलयुग क्यों बताया, इसको धन्य कलयुग का क्या विशेषत्व, इसको धन्य कलयुग किस लिए है, बोल खड़े हो जाओ। बोलो तो देखो, ये एक माता जी देखो सब प्रश्न का आंसर दे रही, बोलो
दिया। हरे कृष्ण हरि बोल। हाँ अभी सुन लो, ये कलयुग को धन्य कलयुग क्यों बताए और इसका क्या महत्व ये कलयुग में। देखो कलयुग में कोई भी जन्म लेना नहीं चाहते, क्यों? ये युग को बताया कलयुग। कली मतलब क्या? कलह, झगड़ा, लड़ाई। देखना भाई भाई में लड़ाई, बहू बहू में लड़ाई, सास बहू में लड़ाई, सास ननद बहू में लड़ाई, घर घर में लड़ाई, पड़ोस में लड़ाई, ऑफिस में जाओ लड़ाई, देश देश में लड़ाई, मन मन में लड़ाई, कलह। कलयुग मतलब कलह, केवल जहाँ कली, सब जगह में जहाँ जाओ देखो वहीं पर कली, कली सब जगह पर बैठा हुआ, कली किसी को उसने नहीं छोड़ा। इसलिए हैं बोले प्राप्त कलियुग घोरा नरा पुण्य विवर्जिता। ये पुराण में बताया कलियुग आने पर कोई नरा पुण्य विवर्जिता, सारे पुण्य को छोड़ करके देखना कलियुग में स्वाभाविक रूप में मन गति जी में, मांस खाने में, मदिरा पीने में, जुआ खेलने में, सिगरेट फूंकने में, दूसरे लड़की को लड़का को पीछे घूमने में, देखना स्वाभाविक रूप में ये मन गंदी चीज में चाहता है। जो कली का जो चार जागा है, दुतम पानम स्त्रियम सोना, जुआ खेलना है, अवैध रूप में स्त्री संग करना और जीव हिंसा करना है, जितने तरह का नस्ली वस्तु, देखना स्वाभाविक रूप में कली युग में मन गंदी चीज में जाता है। अगर थोड़ी समय अगर हम निकालते हैं भजन करने के लिए, आप देखना 10 मिनट अगर आने की तरफ बैठने के लिए, देखना 10 मिनट में 1 मिनट भी मन नहीं लगता है। आँख बंद करते बेटा बेटी दुनियादारी हाँ नाती पोती सब देखने लग जाएगी, लेकिन तुम्हारे प्रभु ही नहीं दिखेगा, अब सब चीज दिखेगी। इसलिए ये कलयुग में कोई भी जन्म लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन अभी जो कलयुग में हम आए हैं, इसी कलयुग में देखो ये चीज अच्छे तरह से याद रखो, दूसरा बार कभी पूछे ना जिसे आंसर दे सकता हो, नोटबुक लेकर बैठनी चाहिए, सब चीज लिखनी चाहिए। तो श्यामा प्रिया ऐसे आए और यहाँ से घूम फिर चले गए, जाकर कथा सुनाना वहाँ। इसलिए कहते यहाँ पर कहते भागवत में बताया एकादश स्कंद में स्वर्ग के देवता लोग भी इसी कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। बोले स्वर्ग की देवता लोग छोड़ दो, सत्य युग को बताया कृत युग, धर्मचारी चरण में धर्म का निवास, धर्म संपूर्ण रूप में धर्मचारी चरण में, किसी का मन किसी गंदी चीज में नहीं जाता था, स्वाभाविक रूप में भगवान की भक्ति उपासना में ये मन लगती थी, ये सत्य युग में है धर्मचारी चरण में, इसलिए उसका नाम कृत युग बताया। कृत मतलब जो धन्य है, सबके सब कृत कृत है। त्रेता युग है, हम कहते हैं ना राम राज्य, राम राज्य, राम राज्य में कोई दुख कष्ट में नहीं रहते थे। हाँ आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक, ये जो दुख कष्ट कोई कष्ट नहीं, यहाँ तक भी कोई पशु पक्षी में भी कोई परेशानी हो वो भी जाकर के प्रभु राम को बोलते थे, पशु पक्षी भी हो प्रभु राम से बोलते थे प्रभु हमारी ये दुख है, प्रभु उनका दुख समझ करके उनका हल करते थे, उनको हल करते थे हैं। ये तृतीया युग में राम राज्य मतलब सबके सब सुखी है। द्वापर युग आया, द्वापर युग में कौन आए? कृष्ण चंद्र स्वयं, कृष्ण स्वयं आए। जब भगवान कृष्ण स्वयं आए तभी जो धर्म, कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म होने का नाम है धर्म, ये भी चार चरण में धर्म का निवास, संपूर्ण रूप में सब धर्म का चार चरण में निवास करता था, क्योंकि कृष्ण स्वयं पूर्ण ब्रह्म आए हैं। कहते ये सत्य त्रेता द्वापर युग का लोग भी ये कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। बोले क्यों ये कलयुग में क्यों जन्म लेना चाहते हैं? बोले कारण है ये जो कलयुग है ना, ये साधारण कलयुग नहीं, ये साधारण कलयुग नहीं, ये कौन सा कलयुग है? धन्य। बोले धन्य कलयुग क्यों नाम पड़ा? कारण क्या? इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु, इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए। जो दूसरे दूसरे जो तृतीया युग में, हर तृतीया में राम नहीं आते हैं, हर द्वापर में कृष्ण नहीं आते हैं,
हर कलयुग में महाप्रभु नहीं आते हैं। कब आते हैं? ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आते हैं। कहते ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा है, कितना ब्रह्मा की एक दिन कितना बड़ा है, मतलब ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग जो बीत जाए, कितना हजार चतुर्युग, 1000, बोले एक चतुर्युग कितना है, कलयुग का परमायु 432000 साल, इसको अच्छे तरह से याद रखना, जो सब हमारा बोलेंगे ना फिर जिससे बोल पाओ, कलयुग का परमायु कितना है 432000, द्वापर युग का कलयुग का दो गुना कर लो कितना होगा 8000 64000, त्रेता युग को कलयुग का 3 गुना कर दो कितना होगा, हिसाब लगा 12 लाख 32 32 कितना हो गया 60 64 12 लाख। अब कहते सत्ययुग को कलयुग का 3 गुना कर लो 4 गुना कर लो, कलयुग का 4 गुना कर लो 16 लाख 17 लाख कुछ। अभी इसको जॉइंट करो, इसको जोड़ दो, जब जोड़ दोगे कितना होगा बताओ, 43 लाख 43 लाख 20 हजार है, ये हो गया 43 लाख 20 हजार हो गया, इसको कहते हैं एक महायुग है। ऐसे 71 महायुग 71 महायुग में एक मन्नतर होता है, बहुत बड़ा दिन है, और ऐसे 14 जब मनु बीत जाते हैं फिर जाकर के एक बार प्रभु राम आते हैं उसी तृतीया में, जिस तृतीया में राम आए क्या सर रस में आ सकते रोटी कर सकते ये भलक मिला, ये बहुत अच्छा बच्चा रोटी बन गया, बन गया ना रोटी बन गया, इसलिए कहते इसको, कहते इसको जब करते हैं इसको हैं, फिर जा करके ऐसे 71 चतुर्युग जो बीत जाती है एक मन्नतर, जब 14 मन्नतर ऐसे बीत जाए, 14 मन्नतर बीत जाए तब ब्रह्मा का एक दिन होता है, ब्रह्मा का एक दिन, जब ब्रह्मा का एक दिन होती है जिस तृतीया में राम आते हैं उसी द्वापर में कृष्ण आएंगे, हर समय नहीं आएंगे ब्रह्मा के एक दिन में, अब जिस द्वापर में कृष्ण आएंगे पूर्ण ब्रह्मा, फिर उसी कलयुग में कौन आएगा बताओ, कलयुग में फिर कौन आते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं, इसलिए हर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु नहीं आते हैं, कब आते हैं 1000 जब चतुर्युग बीत जाए हैं, फिर ये जो धन्य कलयुग में ये सब सप्त तृतीया द्वापर युग का लोग और स्वर्ग के देवता क्यों जन्म लेना चाहते हैं, क्या कारण क्या है, ये लोग क्यों जन्म लेना चाहते, इसका क्या रहस्य, बोले रहस्य है सत्ययुग में आप सुने वाल्मीकि इतने तपस्या की, इतने दीमक पूरा शरीर चाट गया, दीमक शरीर को चाट गया दीमक, पता नहीं कितना हजार साल तक उन्होंने तपस्या की, कोई 60000 कोई 50000 10000 बिना खाए पिए टांग ऊंचा सर नीचा करके चारों तरफ में आग जला करके, कोई पानी में बैठ करके, कोई आकाश में बैठ करके, बिना खाए पिए इतने उन्होंने कठोर तपस्या की, कठोर तपस्या की, तपस्या की तो जाकर के उनको मिला क्या बताओ, उनको क्या मिल गया, हाँ ज्यादा से ज्यादा वैकुंठ भी मिल गया, वैकुंठ मिल गया और ज्यादा कोई और कुछ नहीं मिला, और वैकुंठ भी मिल गया, और हमारे महाप्रभु का भक्त लोग तो वैकुंठ धर्म में देखना भी नहीं चाहते, भैया हम वैकुंठ नहीं चाहते हैं, हैं हम वैकुंठ, और फिर अगर कोई मुक्ति की प्राप्ति प्रार्थना के तो मुक्ति धाम मिल गया, उनको मुक्ति धाम मिल गया, लेकिन भगवान कहते हैं मेरे भक्तों को मुक्ति देने पर भी मेरे भक्त मुक्ति नहीं लेते हैं, उसको तुच्छ मानते हैं, तृतीया युग में आए वहां पर भी बड़े कठोर तपस्या की, रोज यज्ञ में आहुति डालो उसका धुआं आग निकले, रोज रोज यज्ञ करो, करते करते कब क्या मिलेगा आपको, अयोध्या धाम मिलेगा आपको, अयोध्या धाम, जब कृष्ण आए, अगर कृष्ण की भक्ति करोगे हजार हजार साल तक तो क्या मिलेगा, वृंदावन मिलेगा, बोलो वृंदावन मिलेगा, लेकिन अगर कोई महाप्रभु की अनुगत्य में है श्री कृष्ण भक्ति करे, महाप्रभु की अनुगत्य में अगर कोई कृष्ण भक्ति करे ना, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जब उनको सिद्धि प्राप्ति होगी
एक साथ में उनको दो धाम मिलेगा। एक साथ में क्या मिलेगा? दो धाम। कहाँ मिलेगा? एक तो वृंदावन मिलेगा और एक मिलेगा, क्या मिलेगा? एक उनको महाप्रभु को धाम है। जो भी श्री महाप्रभु मायापुर में, जैसे श्री रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी कहते महाप्रभु लीला में, रूप गोस्वामी कृष्ण लीला में रूप मंजे, सनातन गोस्वामी कृष्ण लीला में ये लवंग मंजरी, महाप्रभु लीला में श्री सनातन गोस्वामी एक साथ में दो रूप धारण करते हुए दोनों धाम में जाएंगे और लीला रस का आस्वादन करेंगे हैं। और दूसरे दूसरे युग में कठोर तपस्या करना पड़ता था तब भी जा करके कहीं उनको गड़ा सम सब उत्तम प्रभु कहते उत्तम महाराज, इसलिए कहते हैं उनको कठोर तपस्या करने पर जा करके कहीं मुक्ति बाद उनको वैकुंठ धाम अयोध्या धाम मिलेगा। लेकिन कलयुग में महाप्रभु क्या कहते हैं? बोले ए मन गौरंग बिना नहीं यार, ए मन गौर बिना नहीं यार, समय पीछे पीछे गाओ, ए मन गौर बिना नहीं यार, ए ना बदार अबे भी होए छे, ए ना प्रेम पर पासंदे प्राणी न मारे लंकारे दुर्मती अति पतित पासंदे चंडाले ब्राह्मणे करे कोला कली, चंडाले
माया ताले गाइया गाइया ते काटिया काटिया पल काया ताले गाइया गाइया ते देखिया सबना करा सबाइया देखिया गौरांग बिना नहीं आग, क्योंकि इसी कलयुग में ब्रह्मा का एक दिन में 1000 चतुर्युग बीतने पर एक बार श्री महाप्रभु कलयुग में आते हैं। आकर करते हैं क्या? आकर तो क्या करते हैं? बोले ये काम करते हैं, बोले ब्रह्मा वीरिं चिर वांछित जे प्रेम जगत फैल घाली। जो प्रेम को पाने के लिए ब्रह्मा उन्होंने क्या किया, जब कृष्ण का बछड़े सखाओं को चोरी की, जब ब्रह्मा जी को पता चला कि कृष्ण है, भगवान ने कहा ब्रह्मा जी क्या चाहते हो, क्या ब्रज में कोई मेरी सखा सखी बनना चाहते? बोले नहीं 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 नहीं, हम सखा सखी नहीं बन पाए। बोले ब्रज में कोई जानवर जन्म पशु पक्षी? बोले नहीं 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 नहीं, पशु पक्षी भी जन्म नहीं ले सकता। बोले यहाँ पर कोई पेड़ पौधा जन्म? बोले नहीं 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 नहीं, हम भैया हम पेड़ पौधा नहीं बन सकते। बोले फिर क्या बनना चाहते हो? बोले ब्रज का बाहर में जब छोटे जाति के लोग रहते हैं ना, उनको सामने पत्थर जन्म देते, अगर वो हमें पत्थर मान करके चरण रगड़ेंगे, अगर उनकी चरण धूलि मिल जाए ना, जीवन धन्य मानेंगे, उनकी जीवन हम धन्य मानेंगे। ब्रह्मा जैसे व्यक्ति, उनको भी हिम्मत नहीं हुई ब्रज में कोई भगवान की भगवान की कोई भक्त बनने के लिए। शंकर जी आए रास दर्शन करने के लिए, ब्रह्म कुंड में स्नान भी किया, गोपी रूप भी धारण किया, कुंज में बैठी भी गई, लेकिन जब कृष्ण रास कर रहे थे, कृष्ण ने कहा आज रास में कोई आनंद नहीं आ रहा है, लगता है कोई अनधिकारी आ गए। गोपियों ने ढूंढा, गुरुदेव कहते थे एक नई गोपी मिली, बोले तेरे खसम का नाम क्या है? खसम तो थी। और तेरे सास का नाम क्या है? तेरे ननद का नाम क्या? कौन सा? तो गोपियों का एड्रेस है ना, हर गाँव में जन्म लेती है उनका सास, वो तो कोई गोपी नहीं, वो तो गोप है, अभी वो गोपी बने। जब कोई उत्तर नहीं दे पाए ना,
गुरुदेव कहते उनको चोटी पकड़ कर घिसटते हुए निकाले और गोपियों ने गुरुचा मारना शुरू कर दिया है। गुरुचा त्रिविक्रम मार तो साथ में गुरु जी बड़े हंसी करते गुरु त्रिविक्रम मार के गुरुचा मारते थे बोले गोपी को गुरुचा मारे है गोपी मार करके फिर वहां से शंकर जी को निकाल दिए। शंकर जैसे व्यक्ति जो सत्यम सीमम क्या काम कर रहे हैं करवान की काम कर रहे हैं प्रवेश नहीं कर पा रहे। लक्ष्मी है सारा दुनिया लक्ष्मी की कृपा चाहती है। लक्ष्मी हर समय हाथ को ऐसे करके खड़ी रहती सब लक्ष्मी आप ब्रज में जाओ ब्रज में नहीं ब्रज का बाहर हाथ जोड़ते रहे बैठी बोले बिहाय कामान सुचिरता सारे वैकुंठ सूप को त्याग दे करके ब्रज की बाहर तपस्या कर रही है। उद्धव जैसे व्यक्ति वो क्या चाहते हैं बोले बंद बंदे नंद ब्रज स्त्रीना पाद रेणु अभिस्नक्ष उनकी चरण की धूल को वंदना करती है। गुलम लता औषध वृक्ष रूप में जन्म लेना चाहते बोले नारद भी वो भी नारद जी वो भी बन करके नारद कुंड में तपस्या करते हैं जो प्रेम को पाने के लिए मतलब ये लोग जो प्रेम को पाने के लिए इतने कठोर साधन भजन की लेकिन महाप्रभु कलयुग में वो प्रेम को कैसे प्रदान किया है जो प्रेम को पाने के लिए इतना कष्ट की लेकिन महाप्रभु कैसे उन्होंने वो चीज को दिया बोले बजाइया कर ताली ए मान गौड़ा कबीना नहीं आर बोले कलयुग में ज्यादा परिश्रम करने का जरूरत नहीं। सत्य त्रेता युग में तो बिना खाए पिए दिमाग लग गया टांग ऊंचा करके सर नीचा करके कलयुग में महाप्रभु क्या कहते हैं बोले प्रसाद सेविया अकंठ करिया कर प्रसाद सेवन ए गला तो खूब चकाचक रोज रोज प्रसाद बढ़िया हो रहा है ना पनीर का रसा छाना डालना पुष्पान्ना फिर बढ़िया रोज रोज बढ़िया बढ़िया प्रसाद खाओ बढ़िया बढ़िया अकंठ तक कंठ तक खूब बढ़िया चकाचक खाओ बढ़िया और क्या करो बदन भर करके हरे कृष्णा 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 हरे राम सब जोर करके बोलो जोर से संत कहते थे हम चाहते हैं कभी पार्टी में जाने के बोलते ना पार्टी में चलो बोले पार्टी में क्या बोले तीन चीज पार्टी में होता है डांसिंग ईटिंग और सिंगिंग पार्टी में क्या होता है यही तीन चीजें होता है ना खाओ नाचो और गाओ बोले एक एक दिन पार्टी क्यों रोज पार्टी बनाओ ना देखो मंदिर में रोज पार्टी लगता है खाओ ना भगवान की बढ़िया बढ़िया प्रसाद भोग गाओ ना और वहां पर नाच नाच कर तो भैया ज्यादा कोई परिश्रम करने का जरूरत नहीं कलयुग में कोई हरे कृष्णा
इसलिए कलयुग में महाप्रभु जो दुर्लभ प्रेम को वो प्रार्थना करते थे, महाप्रभु कुछ रोज पनीर का सब्जी का, रोज पिज्जा पास्ता, रोज बढ़िया बढ़िया चकाचक प्रसाद खाओ, हाँ राजमा चावल कढ़ी चावल रोज रोज डालमा खाओ, हाँ क्या करो ताली बजाते हुए क्या करो भगवान की माता जी बटन बसंत 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 जन इसलिए हरे कृष्ण। इसलिए कलयुग में चलो थोड़ी सी ताली बजाते हुए क्या करो भगवान की नाम जप करो, उसी से ही जीव का कल्याण हो जाएगा। इसलिए ये कलयुग को क्या कहते हैं, बोले सुनिया है, बोले जब महाराज जब देखा महाप्रभु ने आकर के उन्होंने हरि नाम कीर्तन को प्रचार किया है, क्या किया एक बार हाथ उठा कर बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। जब महाप्रभु सब भक्तों को लेकर कीर्तन करना शुरू किया ना, बोले श्री जम महाराज ने अपना जमपुरी का जो कबाट था ना जो दरवाजे को बंद कर दिया, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। बोले क्यों, बोले और कोई नरक में नहीं आएगा, और कोई नरक में नहीं आएगा। बोले क्यों, श्री महाप्रभु ने आकर के सबको ये हरिनाम प्रचार किया है, हरिनाम दिया है, इसलिए और ये नरक बंद, नरक का दरवाजा बंद कर दिया है। और बोले ऐसे कभी देखे हो चंडाल ये ब्राह्मण करे बुला, पहले क्या था हरी चंडाल उनको दूर रखो ये ब्राह्मण, लेकिन कली जी बोले देखो ये गोरे लोग है ना, देखो गोरे लोग और हम लोग क्या करे, दोनों एक साथ हाथ उठा करके, इसलिए भक्ति मनोहर ठाकुर का भविष्यवाणी था एक दिन ऐसे आएगा गोरे और काले ये दोनों एक साथ मिल करके हाथ उठा करके निताई गौर निताई गौर ये दोनों एक साथ मिलकर के हरिनाम कीर्तन करेंगे हैं कलयुग में। इसलिए बताया कि जो स्थान है श्री श्री क्षेत्र और कलयुग में जो कलयुग और विशेष करके जो पात्र है महाप्रभु का जितने परिकर है। वृंदावन धाम में राधा कुंड की इतनी महिमा क्यों, वहां पर राधा जी की गण निवास करते थे है ना। कभी ये जगन्नाथपुरी की इतने महत्व तो क्यों, यहाँ पर महाप्रभु के साथ में कौन कौन रहे, स्वरूप दामोदर ललिता राय रामानंद विशाखा रूप गोस्वामी रूपमंजरी सनातन गोस्वामी लगभग मंजरी हैं, ये सब भक्त महाप्रभु साथ में रहे। इसलिए जब जब से श्री महाप्रभु आकर के श्री क्षेत्र धाम में निवास करके भक्ति किए, ये श्री क्षेत्र धाम की जो महिमा और भी श्री क्षेत्र धाम की महिमा और भी बढ़ गया है। इसलिए समझो जो लोग ये श्री क्षेत्र धाम में आए हो जगन्नाथ जी रथ यात्रा दर्शन किया, शास्त्र कहता है रथे वामनम दृष्टा पुनर्जन्म, मतलब रथ के ऊपर में एक बार से जगन्नाथ को दर्शन कर लो फिर जगत में पुनर्जन्म नहीं होता है। बोले श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। इसलिए कभी जो साल भर जो जगन्नाथ जी को दर्शन करते हैं जो फल मिलेगा ना रथ के ऊपर में एक बार दर्शन करने का वही फल मिलेगा है। बोले क्यों, कारण क्या, बोले कारण श्री जगन्नाथ जी कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, बोले सुंदरा चले जा रहे हैं वृंदावन जा रहे हैं, कहाँ से द्वारका से बात कुरुक्षेत्र से राधा रानी रथ यात्रा किया है, राधा रानी अपना हृदय रथ में श्याम सुंदर को बैठा करके इनको ले जा रहे हैं श्री वृंदावन ले जा रहे हैं श्री, इसलिए रथ नहीं वो राधा रानी की हृदय है, राधा जी की हृदय है, इसलिए हृदय में बैठा करके श्री श्री श्याम सुंदर को ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे वृंदावन में ले जा रहे हैं। इसलिए जगन्नाथ जी जब वृंदावन जाए ना, अब इस दुनिया में देखना एक व्यक्ति को अगर कोई चीज मांगना हो, एक व्यक्ति को कोई चीज मांगना हो कब मांगनी चाहिए, जब खुश हो, हर्ष में नहीं मांगनी चाहिए, मूड बेकार हो ना मांगो तो पिटाई कर दे निकाल दे कोई पैसा, तभी मांगनी चाहिए जब उनका मूड बढ़िया हो अच्छे खुश हो उस समय भाई जो इच्छा दे देगा। उसी तरह श्री जगन्नाथ जी रथ में बैठे कहाँ जा रहे हैं, बोले श्री वृंदावन राधा रानी से गोपियों से ब्रजवंशी से
मिलने जा रहे हैं कृष्णा, इसलिए जब रथ के ऊपर बैठते बड़े प्रसन्न होकर जगन्नाथ जाते हैं, और जो जगन्नाथ जी को मांगो ना जगन्नाथ जी खुश होकर के वही दे देते हैं, प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। बड़े दिनों में ब्रजवासियों को साथ में मिलने जा रहा हूँ ब्रजवासी, इसलिए रथ के ऊपर में जगन्नाथ जी को दर्शन करना और उनको सामने कीर्तन करना बड़े भाग्य से कहीं ये चीज दर्शन मिलता है। इसलिए आप लोग बड़े बड़े दूर से आए हो, हैं बड़े बड़े दूर से दर्शन के लिए आए हो, कोई दिल्ली से, कोई बॉम्बे से, कोई बेंगलोर से, कोई अमेरिका से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई हालांड से, हैं और कोई इतना इतना दूर से सब भक्त लोग आए हो हैं दर्शन करने के लिए, इतने दूर से आए समझो हम लोग बड़े सौभाग्यवान, बहुत पैसा खर्चा करके आए, जगन्नाथ जी दर्शन किया। और श्री जगन्नाथ है ना, कहते केवल एक ही यात्रा है जिस यात्रा में सारे गौड़ीय वैष्णव का दर्शन हो जाता है, सब समय नहीं, साल में कभी दो बार होता है, नवद्वीप में तो अपना अपना परिक्रमा करके सब जाते हैं, लेकिन केवल जगन्नाथपुरी में ही महाप्रभु जैसे सारे परिकर तीन जगह में महाप्रभु का भक्त लोग, एक गौड़िया और एक उड़िया, उड़िया गौड़िया और एक वृंदावनवासी, तीन जगह में विशेष करके महाप्रभु का भक्त है, ये उड़िया गौड़िया और वृंदावनवासी एक साथ में कब इनको दर्शन मिलता है, कब मिलता है रथ यात्रा में, एक ही रथ यात्रा कल देख रहे ना सारी गौड़िया उड़िया, और इतना नहीं दूसरे दूसरे संप्रदाय का लोग भी सबके सब इकट्ठे होकर के जगन्नाथ जी के सामने जय जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलदेव प्रभु की, श्री सुभद्रा देवी की, श्री सुदर्शन चक्र की, सबके सब इकट्ठे होकर के भगवान की कीर्तन कर रहे थे। इसलिए जो लोग आए हैं दर्शन करने के लिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान, सौभाग्यवान। इसलिए प्रभु जी कह रहे हैं सबको भूख लग गया, सब पानी में भीग भीग करके आ रहे, सोच रहा था प्रभु जी थोड़ी सी मधुर मधुर मीठी मीठी थोड़ी सी कथा सुनेंगे, इसलिए फिर हम लोग फिर कल सवेरे, ठीक है ना, कल सवेरे भी हम कथा सुनेंगे। हम तो शाम को सोच रहे थे हम चलेंगे गंभीरा सिद्ध बकुल और सार्वभौम भट्टाचार्य, दर्शन नहीं हुआ दर्शन करते करते जगन्नाथ जी, लेकिन जगन्नाथ बड़ा ठंडा ही ठंडा है, हाँ इस साल अच्छा बारिश तो हुई है लेकिन चेह नहीं है ना, हर साल जब कीर्तन करते इतनी पसीना इतने पसीना, लेकिन कल हमारे भक्त लोग वहाँ पर इतने कीर्तन किया लेकिन यहाँ पर स्विमिंग पूल को तोड़ दी, इसलिए मतलब बारिश हो रही थी ना उसमें परिश्रांत, इतने जगन्नाथ जी बड़ी कृपा की बारिश कर रहे सबके सब हैं, बारिश हो रही सबके सब ठंडा में कम से कम सबके सब ठंडा, ठीक है अभी सबके सब प्रसाद बना, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, हरे 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 कृष्णा
हरे।